नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उत्कृष्ट प्राशर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उत्कृष्ट प्राशर। तो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से वीडियो लेकर आ चुका हूँ सुजाता मल्टीमिक्स पे अलोंग विद माय मदर। दोस्तों, हमने आज से 4 महीने पहले सुजाता मल्टीमिक्स पर वीडियो डाली थी और आप सब लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत लाइक्स मिले हमें। और उस वीडियो में ही कुछ लोगों के, सब्सक्राइबर्स के डाउट्स हैं, हमने उन्हें कमेंट के थ्रू आंसर्स दी हैं। बट फिर भी हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए जिससे सभी सब्सक्राइबर्स के डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप तलाश करें एक अच्छे जूसर मिक्सर ग्राइंडर की या आपको लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सो गाइस, ये है सुजाता का मॉडल जो है मल्टीमिक्स, और इसमें हमें मिल जाता है मिक्सर ग्राइंडर, जूसर और चटनी ग्राइंडर। और इसके साथ एक एडिशनल फीचर और मिलता है जो है कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्टर। इसमें हमें मिल जाती है मोर पावरफुल 900 वाट्स मोटर, जिसके कारण ये कॉन्टिन्यूस 90 मिनट्स तक चल सकती है। और इसमें लिखा है मोटर विद 2 बॉल बियरिंग्स फॉर बोथ एंड्स। और अब हम ये बॉक्स है उसके टॉप पे आते हैं, और यहाँ पे MRP लिखी है, MRP है 7056 रुपीज़। तो गाइस, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बार बार पूछते हो कि इसकी प्राइस क्या है, तो मैं बता रहा हूँ इसकी प्राइस 7056। और कोई भी जो प्रोडक्ट है मार्केट में आने से पहले उसको एक क्वालिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। और जो सुजाता है उसने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि 18 से ज़्यादा कंट्रीज़ के क्वालिटी टेस्ट को पास किया है। और इधर लिखा भी है अ क्वालिटी प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशंस। हमें मिलते हैं, ये जो आपके सामने शो हो रहे हैं, इन जार के बारे में बात करते हैं। हमें मिलते हैं इसमें 3 जार। सबसे पहले हमें मिलता है ये चटनी जार जो कि 400 ml का है और स्टेनलेस स्टील का है। और इसके बाद हमें मिलता है ये ग्राइंडर जार, और ग्राइंडर जार इसमें हम ये 1000 ml का है, और इसमें हम ये भी स्टेनलेस स्टील का है, और इसमें हम सभी तरह के ड्राई मसालों को ग्राइंड कर सकते हैं। साथ में ही हम इसमें डोसे का और इडली का बैटर तैयार कर सकते हैं, और दही भल्ले की जो दाल होती है उसका बैटर भी बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है इसमें। तो दोस्तों, ये है हमारा ब्लेंडर जार, ये इसकी क्वांटिटी 1500 ml है, 1500 ml है, और यहाँ पर इसका मेजरमेंट शो हो रहा है। और इसका भी प्लास्टिक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, इसका लिड भी बहुत अच्छा टाइट से बंद हो जाता है। और एक फीचर हमें इसमें और मिलता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, कि ये इसका अगर हमें ब्लेड्स हमें क्लीन करनी है तो हम इसको पीछे से ऐसे ओपन करके इन ब्लेड्स को निकाल के अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, और ये जिससे हमारा जार भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मगर एक बात है कि मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि रोज रोज इस ब्लेड्स को आप क्लीन मत कीजिए। और एक इसके लिड में एक और जो इसका लिड है, इसका इसके साथ हमें एक कैप मिलती है जिसको हम इस तरह से ओपन करके अपना जो भी मतलब कि मटेरियल है इसमें एडिशन कर सकते हैं। हमें पूरा ढक्कन खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसी कैप का यूज़ कर सकते हैं हम, और ये ऐसे लॉक हो जाता है। अब हम सो गाइज, ये हमारा 900 वॉट वाला मोटर यूनिट, और इसमें हमें मिल जाता है एक इंडिकेटर और एक स्विच जो एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज दोनों तरफ घूम जाता है। और उसके नीचे मिलता है एक विप बटन, और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है एक 2.15 मीटर की फ्लेक्सिबल वायर जो जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसके ऊपर हमें एक देखने को मिल जाता है 5 एम्पियर का 3-पिन स्टॉप जो हमारे नॉर्मल 5 एम्पियर के सॉकेट में अटैच हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमें सुजाता मल्टीमिक्स में एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है जो है कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्टर, और जिसकी मदद से हम कोकोनट का मिल्क बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्टर को हम कैसे यूज़ करें। तो इसके लिए, तो जो कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्टर है उसमें आपको 2 साइड मिलेंगी, एक है स्मॉल साइड और एक है बिग साइड। जो स्मॉल साइड है उसको हमने नीचे की तरफ लगाना है, हमने अंदर की तरफ डालना, और बिग साइड को ऊपर रखना है। इसको फिट करने के बाद हमें इसके अंदर कोकोनट के कुछ पीसेस डाल देने हैं। कोकोनट के पीसेस डालने के बाद हमें इसमें पानी डालना है। इसके जार को हमने बंद कर देना है और इसको ऑन कर देना है।
गाइस अगर आपको कुछ एडिशन करना है तो जार के अंदर एक फीचर मिलता है जो है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप को हटा के बिना जार को हिलाए डुलाए उसके अंदर हम चीज़ें डाल सकते हैं जो हमें ऐड करनी हो। तो फ्रेंड्स अब हमारा कोकोनट मिल्क तैयार है और अब हम इसको सर्व करने के लिए रेडी हैं। हम इसको एक गिलास सो फ्रेंड्स ये है हमारा कोकोनट मिल्क। और ये काफी अच्छा और टेस्टी है। तो गाइस अब हम बताते हैं कि कैसे हम इस जूसर को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जार कंटेनर को जार होल्डर को हटाना होगा और इसके लिए इसे सबसे पहले हमें ये जूस कंटेनर को इसमें ये कट यहाँ से देखिए कट को इस कट से मैच करके बटन की सीध में लगाना है। बस ये लग गया और इसके बाद फिर हम इसमें लगाएंगे ये हमारा है कटर। बस इसको लगाकर हल्का सा घुमाना है और ये भी हमारा सेट हो गया है। अब हमारी आती है हमारी इन क्लैंप्स को लगाने की। ये देखिए गाइस इसको यहाँ पर इसके भी हमने यही कट का मैच करना है। ये यहाँ पर ये मैच करना है देखिए एक ही लाइन में आ रहे हैं बटन के सीध में ही। बस इसको लगाया और इसको क्लिप कर दिया और यहाँ पर भी हमने इसको लगाया और क्लिप कर दिया। और इसके बाद आती है इसकी बारी हमारा पल्प कंटेनर। कुछ नहीं करना गाइस इसको बस यहाँ डालना और ये सेट हो गया। देखिए हमारा जूसर यूज रेडी मतलब यूज करने के लिए रेडी हो गया। हमारा ये असेंबल हो चुका है जूस निकालने के लिए। तो देखिए अब हम इसको कैसे जूस निकालते हैं। गाइज हमारा जूस निकल के रेडी हो चुका है। गाइज मेरे पास एक कमेंट आया था कि इतने इस जूसर में इतने बड़े पल्प कंटेनर की क्या ज़रूरत है। बट गाइज इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पल्प कंटेनर है ये हमारा इतना बड़ा क्यों दिया गया है। अगर हमारे घर में फैमिली में बहुत सारा मतलब कि कोई फंक्शन है बहुत सारे लोग आए हैं हमें सबको ताज़ा फ्रेश जूस सर्व करना है और हमें इसके लिए बार बार जूस को अनअसेंबल करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने इसको थोड़ा सा हिलाया पल्प कंटेनर निकाला और इसके पल्प को बाहर निकाला और बाद में फिर से ऐसे सेट कर दिया। बस हमें पूरे जूसर को बार बार हिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज ये सबसे लास्ट में सेट होता है और सबसे पहले इजीली निकल जाता है हमारा पल्प कंटेनर जो कि काफ़ी इजी है। हम इसे क्लीन करके दोबारा से लगा सकते हैं और फिर से जूस बनाने के लिए रेडी हो जाता है। ये हमारा इसका सबसे प्लस पॉइंट है बड़ा कंटेनर होने का ये फ़ायदा है। तो ये हमारे लिए किसी भी जूसर मिक्सर ग्राइंडर को लेने से पहले हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहली चीज़ है वोल्टेज। नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर में हमें 450 वॉट से लेकर 750 वॉट तक की मोटर मिल जाएगी मगर हमें इसमें 900 वॉट की मोटर मिलेगी जो 90 मिनट तक कॉन्टीन्यूसली चल सकती है मगर इसमें एक ड्रॉबैक है। फ्रेंड्स जब लाइट चली जाती है और मुझे अपनी 900 वॉट की मिक्सी अगर इन्वर्टर पे चलानी पड़ती है तो मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जी। जैसे कि अगर मान लो इन्वर्टर पे मैं एक साथ पांच फ़ैन चलाती हूँ एक फ़ैन मेरा 70 वॉट का है तो अप्रॉक्सीमेटली 350 वॉट हो जाते हैं। और LED बल्ब अगर मैं बल्ब जलाती हूँ पाँच बल्ब जल रहे हैं और इसमें से एक बल्ब की वोल्टेज 20 वॉट का है तो अप्रॉक्सीमेटली 100 वोल्टेज वो हो जाती है। और LED TV 30-40 बड़े वाला LED अगर तीन एक साथ चलाते हैं तो एक की वोल्टेज 30 है तो अप्रॉक्सीमेटली 9 वोल्टेज होता है। टोटल वोल्टेज हमारी इन्वर्टर पे 540 हो जाती है जो कि मेरे घर पे इन्वर्टर लगा हुआ है वो 800 एम्पेयर का लगा हुआ है जो कि बड़े से बड़ा होता है। और हम इन्वर्टर पे ये सारी चीज़ें एक साथ चला लेते हैं। अगर मैं इन्वर्टर पे मिक्सी को चलाती हूँ अपने जूसर को चलाती हूँ तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है सारी लाइट्स और अपनी LEDs और फैन सब कुछ बंद करने के बाद ही मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ जिससे भी मुझे फिर भी मुझे अपने इन्वर्टर में कुछ लॉस होने का डर लगा रहता है। तो अगर आप ये लेने की सोच रहे हैं तो ये बात भी इसकी ध्यान में रखिए कि 900 वॉटेज है तो आप अगर लाइट बंद है तो इसे यूज़ करने में प्रॉब्लम आ सकती है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है RPM। RPM मतलब राउंड पर मिनट और इसकी जो RPM है वो है 22,000 RPM और तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी फास्ट होगी इसकी मोटर।
और जो थर्ड चीज़ आती है वो है वारंटी, वारंटी इसकी 2 ईयर्स की है। और जो फोर्थ चीज़ आती है वो है सर्विस। इस अगर आपको इसको कोई भी स्पेयर अलग से खरीदना है तो आप अमेजोन पे इसके स्पेयर खरीद सकते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट पे आपको इसके स्पेयर मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।